सोलन में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके वजह से स्वास्थ्य विभाग बेहद चिंतित नजर आ रहा है। वहीं शहरवासियों में भी खासी दहशत देखी जा रही है। हाल ही में पिछले कल भी जिला सोलन में 30 मामले कोरोना पॉजिटिव के आए हैं, जिसके बाद इन 30 रोगियों को कोविड केयर सेंटर भेजा जा रहा है। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें जिला के विभिन्न क्षेत्रों से सैंपल एकत्र कर रही हैं, रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि जिला में 30 मामले कोरोना पॉजिटिव के आए थे, जिसमें से 2 रोगी सोलन और 1 गंडा घाट का कोरोना पॉजिटिव है। ये सभी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव के सीधा संपर्क में आए थे, जिसके बाद ये भी कोरोना संक्रमित हो गए। अब उन लोगों की सूची बनाई जा रही है जो इन लोगों के संपर्क में आए थे, उन्हें पृथक रखा जाएगा और आवश्यकता पड़े तो उनके भी आवश्यक टेस्ट करवाए जाएंगे। सोलन डिस्ट्रिक्ट में टोटल 30 मामले आए हैं, जिसमें से कि 1 गंडाघाट का और 2 सोलन के और 5 परमाणु के हैं, और बाकी बद्दी बरोटी वाला एरिया के मामले हैं। इसमें जो गंडाघाट में 1 पॉजिटिव आया है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। जो गंडाघाट में हमारा पिछला केस पॉजिटिव आया था, उनकी मदर है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, वो पॉजिटिव आई है। और जो सोलन में पॉजिटिव आए हैं, वो भी जो हमारे ऑलरेडी पॉजिटिव पेशेंट थे, उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनकी अब जितने इनके हमारे लिस्ट बनी है कॉन्टैक्ट्स की, उनकी हम आगे चेकिंग करें।